हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और पॉइंट। नाउ दिस इज़ कॉल्ड इनर्जेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इनर्जेटिक्स जो है केमिकल रिएक्शन, इसका इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम बिगिनिंग कर रहे हैं एक पहले टॉपिक से। और हमारा पहला टॉपिक जो है, नाउ दिस इज़ कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? यू नो दैट के द वर्ड थर्म स्टैंड फॉर हीट एंड केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द चेंजेस विच आर बीन अकरिंग इन द मैटर। तो थर्मोकेमिस्ट्री को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और हीट जो किसी सिस्टम में इन एंड आउट होती है उसका ताल्लुक किस बातों पे है, और हीट इन एंड आउट की बुनियाद पे हम रिएक्शंस को कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का टारगेट यही रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। फर्स्ट यू कैन सी कि थर्मोकेमिस्ट्री सिंपली डील्स विद द एनर्जी चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी थर्मोकेमिस्ट्री का ताल्लुक किससे है? थर्मोकेमिस्ट्री का ताल्लुक है एनर्जी चेंज से, जो कि हीट के फॉर्म में आ रही है। एनर्जी चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस हीट चेंज अकर ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल चेंज के दौरान जो भी एनर्जी चेंज आ रही है हीट की फॉर्म में, नाउ दिस पर्टिकुलर हीट चेंज इज स्टडीड इन द थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। इवन एक बात ये भी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि बिहाइंड एवरी चेंज देर इज एनर्जी चेंज। हर चेंज के पीछे एनर्जी चेंज है, चाहे वो एनर्जी चेंज जो है वो किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान आ रही हो। मतलब प्रोसेस अगर केमिकल है तो भी एनर्जी चेंज आएगी, अगर प्रोसेस फिजिकल है, एक फिजिकल चेंज आ रही है, स्टेट चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रहा है, तो भी एनर्जी चेंज आएगी। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि प्रोसेस किस नेचर का है, केमिकल है या फिजिकल है, चेंज है, स्टेट चेंज है या कोई केमिकल रिएक्शन है, एनर्जी चेंज तो आनी है। और ये बात भी याद रखें कि हीट चेंज ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर टू द स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर। यानी किसी भी प्रोसेस के दौरान हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज टू बी इन एंड आउट, नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर, उसमें एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे समझें? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम बर्निंग 10 ग्राम ऑफ कोल, 10 ग्राम्स मैंने कोल लिया है, कोयला लिया है, उसको मैं बर्न कर रहा हूं, तो 10 ग्राम जो कोयला है उसको जब बर्न करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवाल्व होगी वो, या फिर उसकी जगह पे मैं 20 ग्राम अगर कोयला ले लूँ, यानी कोल की जो अमाउंट है अगर उसको दुगना कर दूँ, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवाल्व होगी आप जानते हैं कि डिफरेंट होगी। तो इससे ये बात साबित हुई कि अमाउंट ऑफ सिस्टम या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें हीट इन एंड आउट होनी है, उस अमाउंट को अगर हम चेंज करेंगे, उस अमाउंट को अगर हम चेंज करेंगे तो हीट की जो मैग्नीट्यूड होगा कि जो इन एंड आउट होना है वो भी फर्क होगा। तो दैट सिंपली मीन कि हीट चेंज ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट इज स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। अब स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी जो है वो डिसाइड करती है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज टू बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लिक्विड को वेपराइज करना है, गैसियस स्टेट में लाना है, या फिर किसी सॉलिड को गैसियस स्टेट में लाना है, तो आप जानते हैं कि लिक्विड से अगर स्टार्ट करें गैसियस स्टेट तक, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो निस्बतन कम चाहिए होगी। लेकिन अगर हम स्टार्ट सॉलिड से करें, उसको लिक्विड की तरफ ले जाएं, यानी इसको लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो फिर आप जानते हैं कि यूजुअली एक सॉलिड जब हीट किया जाता है तो सबसे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और बाद में जाके लिक्विड जो है वो वेपराइज होगा, गैसियस स्टेट को अचीव करेगा। तो इस सूरत में सब्सटेंस जो उसकी स्टेट अगर चेंज होगी तो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है वो भी चेंज होती है। ठीक, अच्छा, एंड दूसरा है, तीसरी पॉइंट जो है इस केस में वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज होगा सब्सटेंस का तो जो उस सब्सटेंस में से एनर्जी जो इन एंड आउट होगी वो भी चेंज होगी। अगर इस बात को समझना है तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो सैंपल हैं पानी के। एक सैंपल जो है उसका टेम्परेचर है सपोज टू बी 4 डिग्री सेल्सियस, और एक सैंपल है पानी का जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। यू कैन कंसीडर 25 एज अ रूम टेम्परेचर। एक पानी फ्रिज में रखा हुआ है और एक पानी जो है वो हमारे पास किसी बर्तन में रखा हुआ है। टेम्परेचर अलग अलग है, एक का टेम्परेचर 4 है, एक का टेम्परेचर 25 है। पानी के दोनों सैंपल जो हैं उसका अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, पानी की स्टेट भी सेम है, लिक्विड है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फ्रिज में रखा पानी जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको बॉयल करना हो, और जो बाहर रखा पानी जो रूम टेम्परेचर पे है अगर उसको बॉयल करना हो,
तो फ्रिज में रखे पानी को जो एनर्जी चाहिए बॉयल होने में वो निस्बतन ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि उस वो लोअर टेम्परेचर पे रखा हुआ था, और बाहर जो रूम टेम्परेचर पे पानी रखा हुआ है उसको अगर बॉयल करना हो तो उसको आप जानते हैं कि एनर्जी तो चाहिए होगी लेकिन निस्बतन कम चाहिए होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी 25 था। तो सिस्टम जो है या सब्सटेंस जो है उसका टेम्परेचर क्या है वो भी डिसाइड करता है कि उस सिस्टम ने कितनी एनर्जी इन एंड आउट करनी है। तो अमाउंट ऑफ हीट टू बी एब्जॉर्ब और इवॉल्व दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। नंबर 1 यू कैन सी अमाउंट ऑफ सिस्टम, नंबर 2 स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो आई होप कि ये बात आपकी क्लियर होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आप देखें कि थर्मोकेमिस्ट्री जो है ये क्योंकि केमिकल चेंजेस को यूजुअली एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन हम आगे जितने भी टॉपिक होंगे उसमें हम केमिकल चेंज के साथ कुछ कुछ फिजिकल एग्जाम्पल भी लेंगे, फिजिकल चेंजेस के भी एग्जाम्पल आपसे शेयर किए जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि थर्मोकेमिकल जो चेंजेस हैं या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं इसके कितने टाइप हैं। एज सच थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आप जानते हैं कि 2 किस्म के हैं, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बिहाइंड एवरी चेन देयर इज अ एनर्जी चेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जिसमें एनर्जी चेन ना होती हो। एनर्जी चेन तो होगी, चाहे इन चाहे आउट, चाहे एब्जॉर्ब होती हो चाहे इवॉल्व होती हो। तो चलो देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कहानी क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट एनर्जी इवॉल्व इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी जब हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहे होंगे तो उस कन्वर्जन के दौरान हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही होगी, सिस्टम से निकलेगी, सराउंडिंग में आएगी। नाउ दैट काइंड ऑफ अ चेन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेन। इस चेन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक चेन। अच्छा, क्योंकि एनर्जी रिएक्टेंट से निकल रही है और जो है वो बाहर आ रही है तो उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तभी हमने क्या लिखा है कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन या ग्रेटर देन व्हाट, प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वो रिएक्टेंट से निकलकर बाहर आ गई। इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, तो ऐसे सभी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक कंसीडर किए जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे समझा जाए। ठीक, नाउ लिसन। तो आप देखें कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट कंसीडर किया है मैंने R, और ये किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है P, और एनर्जी डायग्राम जो मैंने लिखा है यहाँ पर वाई एक्सिस पे सपोज मैंने एनर्जी ली है, तो जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी इस लेवल तक है और प्रोडक्ट की एनर्जी इस लेवल तक है। तो जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के सफर में एनर्जी जो है वो कम हो गई है। तभी मैंने इसके लिए लिखा है डेल्टा एच जो है इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है। याद रखें कुछ बुक्स में यूं भी लिखा होता है डेल्टा एच इज नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है सिस्टम से, तो सिस्टम से सब्ट्रैक्ट होती है। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से लेसर है। तो या तो उसको आप लिखें डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, या फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा एच इज नेगेटिव। दोनों ऑप्शंस आपके लिए, और दोनों बातें सही हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात सही होगी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान एनर्जी क्या होती गई, सिस्टम से इवॉल्व होती गई और सराउंडिंग में आई। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो आप देखें सबसे पहले है कि ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस हैं वो सब के सब एक्सोथर्मिक हैं। जस्ट लाइक कंबस्शन ऑफ मीथेन या फिर कंबस्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन इंक्लूडिंग पेट्रोलियम डीजल या नेचुरल गैस लाइक मीथेन। ठीक है, या कंबस्शन ऑफ पेपर वुड, किसी भी चीज़ को हम बर्न करेंगे तो हीट इवॉल्व होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये भी एक्सोथर्मिक, एंड यू नो कि इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व होती है उसको हम जनरली कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा है कि एडिंग एसिड्स आर बेसिस इन वाटर। अगर हम पानी लेकर उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें या थोड़ा सा बेस डाल दें, इस एडिशन से भी हीट इवॉल्व होती है। आप ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, बाय एडिंग एनी एसिड आर बेस इन वाटर यू कैन सी द कंटेंट जो होगा वो जो कंटेनर जिसमें प्रोसेस हो रहा है वो कंटेनर हीट अप हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से एनर्जी बाहर आ रही होती है। बात समझ में आ रही है? वेल, तो
एक तो ये बात हो गई कि एसिड या बेस को हम पानी में डालेंगे तो ये भी एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो आप जब जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होती है स्पेशली सेल्युलर रेस्पिरेशन, जिसमें फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी बनती है। तो एनर्जी जिस प्रोसेस में बनेगी वही तो एक्सोथर्मिक होगा, तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। हाँ, इसका रिवर्स अगर देखें, नाउ दैट इज यू आर कॉलिंग इट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका रिवर्स है, वो फिर एंडोथर्मिक में देखा जाएगा। इसके अलावा एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, कोई भी बॉम एक्सप्लोजन होती है ये भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान भी बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो हीट एनर्जी की इवॉल्व होती है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपकी क्लियर होंगी। पर कुछ फिजिकल जो चेंजेस हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप देखें कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जो भी इसी कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि आप देखें कि सबसे पहले आप देखें कि क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड डिपोजिशन, ये सब के सब प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक हैं। अच्छा, इन तीनों प्रोसेस में खास बात क्या है, चाहे फ्रीजिंग हो, चाहे कंडेंसेशन हो या फिर डिपोजिशन हो, इन तीनों प्रोसेसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ती है। अब आप जानते हैं कि फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिडिफाई होता है, अट्रैक्शन बढ़ती है, कंडेंसेशन में वेपर्स जो होते हैं किसी लिक्विड के वो कंडेंस होकर लिक्विड होते हैं, वहाँ पर भी अट्रैक्शन बढ़ती है, और डिपोजिशन में एक गैस डायरेक्टली सॉलिडिफाई होती है, वहाँ पर भी अट्रैक्शन बढ़ती है। जहाँ जहाँ अट्रैक्शन अराइज होगी, जहाँ जहाँ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, वहाँ वहाँ एनर्जी इवाल्व होगी। तो ये सारे प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक हैं, फिजिकली सही पर एक्सोथर्मिक हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात सबकी क्लियर होगी। इवन एक आखिरी एग्जांपल भी यहाँ पर है, नाउ दैट इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड बनता है तब भी तो अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होती है दो एटम्स के बीच में, तो अनकम्बाइंड एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आई होप सो कि ये बात आपकी क्लियर होगी। चलते हैं आगे एक और पॉइंट की तरफ, एक सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, नाउ दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, नाउ यू कैन सी द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी ये वो रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तरफ अगर मूव करें तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब होती है तभी हमने कहा एंडोथर्मिक है। वेल, तो क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट्स की वो कम होती है बनस्पत एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे तो इस कन्वर्जन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, इस वजह से जो प्रोडक्ट मिला है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, इसको एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आप देखें यहाँ पर, तो ये जो वाई एक्सिस है इस पर सपोज हमने लिया है एनर्जी को, और ये समझो कि रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी है, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो इसको मैं लेबल कर लेता हूँ, नाउ दिस इज सपोज टू बी रिएक्टेंट और ये सपोज टू बी ए प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे तो एनर्जी क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। इस वजह से ऐसे रिएक्शन के लिए अक्सर हम डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं पॉजिटिव। अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, हालांकि डेल्टा एच एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिलहाल हमने क्योंकि अभी इस चैप्टर में एंथैल्पी पढ़ी नहीं है तो आप डेल्टा एच का मतलब हीट चेंज ले सकते हैं। हालांकि एंथैल्पी जो होती है वो असल में हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, फिलहाल आप डेल्टा एच को हीट मान सकते हैं। तो हीट प्लस हो रही है तो मतलब बढ़ रही है, इस वजह से डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्योंकि प्लस में है तो इस वजह से इसके लिए हम लिखते हैं क्या, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। कभी कभार एमसीक्यू भी आता है भाई, कोई रिएक्शन है जिसकी डेल्टा एच लेस देन जीरो है तो एक्सोथर्मिक है, अगर कोई रिएक्शन है जिसके डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ऐसी सूरत में रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। हीट इन एंडोथर्मिक, हीट आउट एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल क्या हैं। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उनमें एक एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्टेंट अगर वो डीकम्पोज हो रहा है इनटू द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाए तो डीकम्पोजिशन तभी होगी जब बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इस केस में आप देखो कि मैंने क्या लिखा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट सिंपली मीन कि कैल्शियम कार्बोनेट इज एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द रिएक्टेंट्स आर बीन कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। बॉन्ड डिसोसिएशन,
यहां पर भी बाउंड को तोड़ा जा रहा है, मतलब अट्रैक्शन को खत्म किया जा रहा है। अट्रैक्शन को खत्म करेंगे तो एनर्जी को लाना पड़ेगा, एनर्जी को लाना पड़ेगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो बांड फॉर्मेशन जैसे हमने कहा था, बांड फॉर्मेशन अगर जो है वो अगर एक्सोथर्मिक है तो बांड डिसोसिएशन जो है वो क्या है, बांड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है। इसके अलावा एवापोरेशन है, यहाँ पर भी आप जानते हैं कि लिक्विड जब वेपराइज होता है तो अट्रैक्शन ब्रेक होती हैं। मेल्टिंग है, यहाँ पर एक सॉलिड जब लिक्विफाई होता है तो भी अट्रैक्शन ब्रेक होती हैं। सब्लिमेशन है, यहाँ पर भी आप जानते हैं कि जब एक सॉलिड डायरेक्टली वेपराइज होता है तो भी अट्रैक्शन ब्रेक होती हैं। जहाँ जहाँ अट्रैक्शन ब्रेक होंगी वहाँ वहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो समझ जाओ कि ये सारे प्रोसेस जो मैंने लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं, ये एंडोथर्मिक है, इंक्लूडिंग द लास्ट वन। ठीक है, इसमें एक चीज मैं और डाल देता हूँ ना, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट, अ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से वो ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आई होप कि ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। सो दैट्स इट। इसके बाद हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा थर्मोडायनामिक।